So let's talk about the material we wear, the clothes we wear. You know, generally what happens, we wear clothes, but we don't know about what kind of clothes we are wearing, that what material, what kind of fabric the cloth is having. Suppose if I'm wearing a kurti, then I must know now that what kind of fabric it is, kis tarah ka fabric hai. So today in this activity, we will learn about the fabrics, we learn about the clothes we wear. जो हम क्लोथ्स पहनते हैं वी विल लर्न कि वो किस फैब्रिक के बने हुए हैं, हम किस तरह का फैब्रिक किस तरह के सीजन में पहनते हैं, राइट, एंड किस तरह का फैब्रिक कब यूज़ किया जाता है. नॉर्मली वी विल वियर डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स, डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथिंग्स, लाइक इन व्हेन वी गो फॉर सम पार्टीज देन वी वियर समथिंग डिफरेंट, व्हेन वी गो टू स्कूल देन वी वियर यूनिफॉर्म. सो डिपेंडिंग ऑन द प्लेस, डिपेंडिंग ऑन द थिंग्स, वी वियर क्लोथ्स. सी जिस तरह से फूड इज़ नेसेसरी फॉर अस, जिस तरह से फूड अफेक्ट करता है किसके फूड, हमारा जो फूड होता है, जो हमारा खाना होता है, वो हमारे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होता है. सेम लाइक दैट क्लोथ्स भी हमारे किस पे बेस्ड होते हैं, क्लोथ्स भी हमारे क्लाइमेट पे बेस्ड होते हैं. तो जस्ट लाइक सपोज इफ दिस इज समर, समर इज गोइंग ऑन, सो वॉट काइंड ऑफ क्लोथ्स वी प्रेफर टू वेयर इन समर्स, वी प्रेफर टू वेयर कॉटन क्लोथ्स. हम किस तरह के क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं, वी प्रेफर टू वेयर कॉटन क्लोथ्स बिकॉज इट मेक्स अस फील कूल, हमें ठंडा फील कराता है, इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड इवन इट इज़ वेरी सूदिंग टू द स्किन, काफ़ी स्किन फ्रेंडली होता है एंड यू डोंट फील समथिंग लाइक वॉर्म इन इन द कॉटन क्लोथ. कॉटन आपको एक्चुअली दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ नेचुरल फाइबर, नेचुरल फैब्रिक होता है. नाउ द क्वेश्चन इज स्ट्राइकिंग इन योर माइंड कि मैम नेचुरल फैब्रिक क्या होता है. सो चिल्ड्रेन देर आर टू काइंड ऑफ फैब्रिक, द वेरी फर्स्ट इज द नेचुरल फैब्रिक एंड द अदर वन इज सिंथेटिक फैब्रिक. पहले तो हमारे पास कौन सा होता है, दैट इज नेचुरल फैब्रिक एंड द अदर वन इज सिंथेटिक फैब्रिक. नेचुरल फैब्रिक इज द फैब्रिक विच यू गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो हमें किससे मिलता है, प्लांट से या फिर एनिमल्स से. लाइक कॉटन, वी गेट कॉटन कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स, वी गेट लेदर, वी गेट सिल्क, वी गेट वूल, वी ऑल गेट ऑल दीज मटीरियल्स फ्रॉम एनिमल्स. ये सब हमें किससे मिलते हैं, एनिमल्स के थ्रू मिलते हैं. लाइक लेदर हमें एनिमल्स से मिलता है, वूल हमें शीप से मिलती है, राइट. तो कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें नेचुरली मिलती हैं वो हमारे नेचुरल फैब्रिक्स में आते हैं एंड द थिंग विच इज़ प्रोसेस्ड विच इज़ मेड बाय ह्यूमन, जो हम मैन मेड होती हैं वो हमारे कैसे फैब्रिक्स होते हैं, वो हमारे सिंथेटिक फैब्रिक्स होते हैं. कैसे फैब्रिक होते हैं, सिंथेटिक फैब्रिक. सो नाउ आई थिंक यू ऑल आर क्लियर विद द सिंथेटिक एंड द नेचुरल वन. सो कॉटन इज़ अ नेचुरल फैब्रिक, कॉटन कैसा फैब्रिक है, नेचुरल फैब्रिक है विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, जो हमें प्लांट से मिलता है. एंड सपोज लाइक यूजली कॉटन किस तरह से यूज़ में आता है, कॉटन की कुर्तीज़ होती हैं, कॉटन के शर्ट्स होते हैं, कॉटन के जंप सूट्स होते हैं, बट अदर देन दैट वी हैव एनी अदर थिंग्स लाइक कॉटन के नैपकिन्स होते हैं. लाइक दिस इज आई एम हैविंग, यू कैन सी यू ऑल हैव सीन दिस विद योर फादर, आप लोगों के फादर या ब्रदर किसी के भी पास ही अवेलेबल होगा. यू कैन सी दिस इज़ अ काइंड ऑफ ए नैपकिन और हैंडकरचीफ and this is of cotton. ये किस तरह का है, cotton का. We used to wipe our hands with this, we used to wipe our face. So this is a kind of material which we use in our day to day life. हम लोग बहुत ही ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा use होने वाला material होता है वो कौन सा होता है, cotton. तो cotton हम कब पहनते हैं, we used to wear cotton in summer seasons. But at the same time we wear another kind of material in winter seasons. Winter seasons में हम कुछ और पहनते हैं. What is that? That is woolen. That is woolen. We used to wear woolen clothes in winter. अब हम woolen clothes क्यों पहनते हैं? Because woolen clothes are warm in nature. उनका जो woolen clothes होते हैं, they keep us warm. हमें warm feel कराते हैं. And they are very long lasting. काफ़ी long lasting होते हैं. That we can store them. हम उन्हें store करके रखते हैं for the next year. Next year जब next हमारे winter vacations आते, winter seasons आते हैं, तब के लिए हम उन्हें store करके रखते हैं. Yes ना? That we used to wear the same clothing, same kind of clothes in the next year also. That is, it is long, long lasting, durable and very suiting to the skin because it keeps our skin warm. Hamari body ko warm rakhta hai, warm in the sense, in vacations, in winter seasons, what happen? It is very cold. Bahut cold hoti hai, itni thandi hoti hai, then we have to cover up. Hame khud ko cover up karna hota hai and wo hame kiski help se milte hai? With the help of woolen clothes.
तो वूलन क्लोथ्स आर ऑल्सो काइंड ऑफ नेचुरल फैब्रिक. कैसे फैब्रिक होता है? नेचुरल, बिकॉज वी गेट वूल फ्रॉम शीप एंड शीप इज एनिमल, तो वो एनिमल से मेरा दैट मीन्स इट इज़ अ नेचुरल फैब्रिक. Now move on for another material, that is leather. We use leather in our day to day life, but we don't know actually that it is a leather. हमें पता ही नहीं होता है that हम leather भी use करते हैं. Leather is not only for accessories purpose. सिर्फ leather हम accessory purpose में use नहीं करते हैं. Leather की jackets भी होते हैं which we use in winters, जो हम winters में use करते हैं. Leathers are also shoes are also made from leather. Shoes भी बनते हैं like bags. See, this is the kind of a bag I am having, and you can see this is something made from leather. Leather ka bag hai ye. This is a pouch, we can say that something like a pouch. This is of leather. Even we use belts. Belts are also made of leather. Belts bhi kiske bane hue hote hain? Leather ke bane hue hote hain. There are many different things. Even I am also having this kind of bag. This is also made from leather. ये किससे बना हुआ होता है? Leather से बना हुआ है. So there is only not one thing that is made from leathers. There are many of the different things, many of the fashion accessories are there which are made from leather. जो किससे बनी हुई होती हैं? Leather से बनी हुई होती हैं. Now this is about natural fabrics, but let's talk about synthetic fabric. See, nylon is a kind of a fabric which is a synthetic one. That means nylon एक ऐसा फैब्रिक है जो सिंथेटिक है. क्यों? क्योंकि इट इज़ मेड फ्रॉम पॉलीमर, पॉलिएस्टर से बना हुआ होता है. एंड दिस इज़ अ मटीरियल विच इज़ हैविंग इलास्टिसिटी, यानी इसमें इलास्टिसिटी है जो स्ट्रेचेबल होता है. लाइक सॉक्स, वी आर हैविंग सॉक्स, दीज आर मेड फ्रॉम नायलन. ये किससे बने होते हैं? नायलन. यू कैन सी, यू कैन स्ट्रेच इट एनी हाउ. यू कैन, आप इसे स्ट्रेच कर सकते हो. आप देख रहे हो इट इज़ नॉट गेटिंग टॉर्न, फट नहीं रहा है. एंड इट इज़ इवन अ वेरी गुड फॉर द स्किन. स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है नायलन. दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ रबर थिंग. यू कैन सी हेयर आई एम हैविंग अ ग्लव. दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ रबर ग्लव. एंड सी, दिस इज़ ऑल्सो स्ट्रेचेबल. दिस इज़ स्ट्रेचेबल, राइट? यू कैन स्ट्रेच इट एनी हाउ. दिस इज़ ऑल्सो मेड फ्रॉम नायलन. ये भी नायलन से बना हुआ होता है. एंड नायलन एक तरह से एक ऐसा मटीरियल होता है जो काफ़ी स्ट्रेचेबल होता है. यू कैन स्ट्रेच इट, इट विल नॉट गेट टॉर्न, और ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी चलता है. सो सेम इसी तरीके से हमारे पास और मटीरियल्स होते हैं, लाइक द मटीरियल आई एम हैविंग. दिस इज़ अ काइंड ऑफ मटीरियल. दिस इज़ अ नेट. This is a material of net. Net का material है. You can see this is a see-through material है. And it is having like horizontal and vertical lines होते हैं. We use such kind of material in party wear dresses, right? So this is all.